चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। ये जमुना जी की जलधारा, ये जमुना जी की जलधारा रखी कब से बिगार के, ये जमुना जी की जलधारा, ये जमुना जी की जलधारा रखी कब से बिगार के, करेंगे स्वच्छ मिलकर हम, करेंगे स्वच्छ मिलकर हम, दिखाएंगे सुधार के। कि भारत विश्वगुरु बनने के कगार पर है और उसकी राजधानी दिल्ली है। दिल्ली की एकमात्र नदी यमुना है, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आपसे वो प्रदूषण मुक्त नहीं हो रही, ऐसा क्यों? 5 साल में तो बहुत कुछ काम हो जाता है। महिमा है जग बखानी कहती। चलचित्र अभियान में स्वागत है आपका। अभी हम मथुरा शहर के घाटों के सामने यमुना पर हैं। हमारे साथ हैं विपिन स्वामी जी। विपिन स्वामी जी बहुत सालों से यमुना की सफाई के लिए यहाँ पर एक आंदोलन चलाते आ रहे हैं, बहुत गहराई से इस मुद्दे के साथ जुड़े हैं। विपिन स्वामी जी बहुत बहुत आपका स्वागत चलचित्र अभियान में। विपिन स्वामी जी, ये स्वामी जी ये बताइए कि एक बहुत बड़ा मुद्दा इस सरकार का, जब ये सत्ता में आई थी, एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि गंगा की सफाई होगी, यमुना की सफाई होगी, स्वच्छता, अविरलता, ये सारे मुद्दों पर। कितना इन मुद्दों पर, इस वायदे पर कितना खड़ी हो पाई है ये सरकार? पहली बार आपने मुद्दे वाली बात कही तो कि ये मुद्दा, तो मुद्दे तो हमेशा खड़े रहते हैं, क्यों, उसी पर राजनीति होती है। कहते हैं कि कहें नीति करें अनीति, उसका नाम राजनीति। नीतिगत बात करेंगे, बहुत बहुत बातें आती हैं, बहुत बहुत प्रोजेक्ट बन जाते हैं, बहुत बहुत योजनाएँ बन जाती हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कि भारत विश्वगुरु बनने के कगार पर है और उसकी राजधानी दिल्ली है, दिल्ली की एकमात्र नदी यमुना है, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आपसे वो प्रदूषण मुक्त नहीं हो रही, ऐसा क्यों? 5 साल में तो बहुत कुछ काम हो जाता है। अगर इस काम को युद्ध स्तर पर चलाया होता तो इसमें बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन चुनावों के टाइम पर सबको सब कुछ याद आ जाता है, उसके बाद सारी बातें यूजुअल हो जाती हैं और हम तो जो देखते आ रहे हैं वो प्रदूषण और प्रदूषण और प्रदूषण, मात्र प्रदूषण में ही जी रहे हैं। अब तो जीना भी दूभर हो गया है, क्यों, कि ये जल रोग जनित हो चुका है। लेकिन बोला जाता है, सरकार बार बार बोलती है कि कई स्कीमें उन्होंने शुरू करी हैं, या गंगा की सफाई के लिए, यमुना की सफाई के लिए, उसके बारे में आपका क्या कहना? कौन कौन सी स्कीमें हैं और क्या आपको लगता है वो सही स्कीमें नहीं हैं? नहीं साहब, वो सारी स्कीमें सही नहीं हैं। अगर इन सरकारों को, मैं तो ये देख रहा हूँ कि पेट्रोल लाना हो, डीजल लाना हो, गैस लाना हो, ऑयल लाना हो, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें विदेशों से लानी होती हैं, तो आप देखेंगे पाइपलाइन डाल देते हैं, पाइपलाइन के लिए जगह नहीं मिलती है, जमीन के अंदर से ले आते हैं, ऊपर से नहीं आते हैं, समुद्र के अंदर आ जाते हैं, ये लोग पहाड़ों के अंदर भी घुस के आ जाते हैं। लेकिन यमुनोत्री से संगम तक यमुना की कितनी दूरी है, क्या दोनों साइड में उस गंदगी के लिए, सीवेज के लिए दोनों साइड पैरेलल पाइपलाइन नहीं डाली जा सकती? ये लोग डाल सकते हैं, किंतु इन लोगों ने मुद्दा बना रखा है और मुद्दे हमेशा खड़े रहते हैं। समस्याओं का समाधान हो सकता है लेकिन मुद्दों का समाधान नहीं हो सकता। हमारे लोग यहाँ हैं। अब ये कहते हैं कि अभी आपने सुना होगा, ये जो गडकरी जी ने बहुत बड़ा एसटीपी प्लांट लगाया है, मैं कहता हूँ उससे पहले यहाँ जो इतने एसटीपी प्लांट लगे हुए हैं
उनका डीजल अभी तक चोरी हो रहा है, वही बीजेपी के लोग रहे वहाँ दूसरे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये यहाँ जब एसटी प्लान लगा रहे हैं, प्रोजेक्ट बता के अपने फाइल में रख दिया है, उसका क्या औचित्य है? जब तक आप रचनात्मक तरीके से आप नहीं आएंगे, तब तक हम लोगों को अब विश्वास नहीं रहा है, नहीं रहा है, नहीं रहा है। और ये जो है यहाँ से आ रहा है, दिल्ली से जो आ रहा है, यमुना का जल जिसको कहते हैं, ये वो दिल्ली के नाले हैं। तो बचपन हमारा सभी बच्चों का यमुना किनारे बीता, सारे खेल कूद हमारे जल में ही होते थे प्रायः। और जल के अंदर जब हम देखते थे तो जल के अंदर कई मीटरों तक हमें दिखाई देता था, साफ साफ दिखाई देता था। कछुए दिखते थे, मछलियाँ दिखती थीं, सब मर गए। ये प्रदूषण जो जब से हुआ है यमुना में, तब से ये सारा जो है जलचर सारे मर गए यहाँ से। एक यहाँ जो भाजपा के ही हिंदूवादी नेता हैं, एक उन्होंने भी एक याचिका लगाई थी वहाँ हाई कोर्ट में, उसके द्वारा उनकी एक राजनीतिक कद तो बन गया। अब वो अफसरों के साथ जाते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, लेकिन ये अपना अखबार में उनका छप जाता है। लेकिन आप ये देख रहे हैं सामने ये कीचड़ के ढेर, ये यहाँ से निकाल निकाल के यमुना में से निकाल के और जो कर दिए ऊपर ये सुखा दिया गया है ये। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ से ये नाली आ रही है, ऐसी तमाम नाले आपको दिल्ली से और यहाँ तक मिलेंगे। दूसरा, यहाँ जो व्यापारी वर्ग है, यहाँ के प्रमुख जो उद्योग हैं, उनमें एक साड़ी उद्योग हुआ करता था, पहले हाथ की छपाई होती थी, अब ये वाइब्रेटर लग गए हैं, मशीनें लग गई हैं, कैलेंडर्स लग गए हैं। तो उनका एक तो प्रदूषण का पानी वो सारा यमुना में आता है। दूसरा, एक तोड़िया बनाने का चांदी का काम होता है, चांदी का, और वो क्या कहते हैं उसको, गिलेट का काम बहुत बड़े पैमाने पर मथुरा में हो रहा है। उस सब का भी जो तेजाब वगैरह है प्रदूषण होके, वो सारा भी इसी में आता है। यहाँ 2004 में ये घाटों का सौंदर्यीकरण किया, जो भी सरकार आती है वो सोचती है धार्मिक लोग हैं तो घाटों के जो सीढ़ियों को जो पत्थरों को जो चमका दो, लाइट लगवा दो, जिससे यहाँ का पर्यटन बढ़ जाए। लेकिन पर्यटक जब आता है और जिसका जब वो पान करता है तो पान नहीं कर पाता है। पान क्या करेगा, उसको ये छींटे मारने में भी लगता है कहीं कोई कीड़ा या कोई जो इस तरह, क्योंकि इसमें तो लाखों तरह के बैक्टीरिया हैं, लाखों तरह के विषाणु हैं। इस पर हमने कुछ गीत भी बनाए थे, एक गीत मैं आपको सुनाऊंगा, यमुना का पान करें कैसे, अंजुल कीड़ों से भरता है। यमुना का पान करें कैसे, अंजुल कीड़ों से भरता है। यमुना का पान करें कैसे, अंजुल कीड़ों से भरता है। जग जाहिर यमुना जी का जल, सब पोल खोल के धरता है। यहाँ यमुना को मैया कहा जाता है, और यहाँ के जो निवासी हैं वो यमुना पुत्र कहलाते हैं। यमुना के पास रहने वाले, यमुना के पुरोहित, तो वो यमुना पुत्र कहलाते हैं। तो उनसे भी आह्वान है कि यमुना मैया कहने वाले, इस रिश्ते को क्यों लजाता है। तो ये सरकार साफ कर रही है यमुना 5 साल में। अब देखिए सर, मेरे क्या अभी तक कुछ हुआ नहीं कि 5 साल में तो देखते देखते वो निकली जा रही है। सांसद हवा मान ली है, इसमें सांसद हवा मान ली है, मुख्यमंत्री साहब हमारे योगी शर्मा है, बताइए साहब आपके साथ कैसे कहते हैं सांसद हवा मान ली, बताओ आज तक 5 साल में देख के दोबारा नहीं आएगा किससे कहते हैं। जग जाहिर यमुना तो गंदगी से होली खेल रहे, या नाले हैं उनको पिचकारी का रूप दिया है कि होली खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ ब्रज में होली खेली जाती है। गंदगी से होली खेल रहे,
नाले रूपी हैं पिचकारी, नहीं नीत न्याय की बात करें अन्यायी और भ्रष्टाचारी, दंडित अपराधी होए ना यहाँ कौन किसी से डरता है, जग जाहिर यमुना जी का जल सब पोल खोल के धरता है, जमुना जल शुद्धि का लुचे कैसा पाखंड रचाते हैं, यमुना जल शुद्धि का गुंडे कैसा